हेलो एवरीवन इन आर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट कनेक्टिव टिश्यूज वी हैव लर्न अबाउट ब्लड एंड बोन्स एंड टुडे आल्सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम मोर कनेक्टिव टिश्यूज व्हिच आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट लिगामेंट्स टू बोन्स आर कनेक्टेड ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज व्हिच आर कॉल्ड लिगामेंट्स देखिए दो बोन्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा और इस कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं लेगामेंट्स दे आर इलास्टिक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट बोन टू बोन लेगामेंट एक बहुत ही इलास्टिक स्ट्रक्चर है जो कि एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है सो अगामेंट इट इज़ हाईली इलास्टिक एंड हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ लेगामेंट बहुत ही इलास्टिक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत मजबूत होता है बट यू नो इट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स लेकिन इसमें मैट्रिक्स बहुत कम होता है मैट्रिक्स ग्राउंड मैटर एंड यू नो हाउ स्प्रेन इज कॉस्ट हमें स्प्रेन कैसे हो जाता है स्प्रेन इज कॉस्ट बाय एक्सेसिव पुलिंग और स्ट्रेचिंग ऑफ लेगामेंट्स देखिए जब लेगामेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं बहुत ज़्यादा उनमें खिंचाव होता है तो उससे हमें स्प्रेन हो जाता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है सो दिस इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लेगामेंट्स अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिशू विच कनेक्ट वन बोन टू अनदर बोन नाउ नेक्स्ट कनेक्टिव टिशू इज टेंडन्स टेंडन्स दे आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज विच कनेक्ट मसल्स टू बोन्स देखिए टेंडन्स भी एक कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि मसल्स को बोन्स से जोड़ते हैं एंड टेंडन्स आर कॉड लाइक स्ट्रक्चर एंड यू कैन सी इन द डाइग्राम टेंडन्स कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दे आर वेरी स्ट्रोंग एंड इन एलास्टिक स्ट्रक्चर जो कि बहुत मजबूत होते हैं लेकिन इन एलास्टिक होते हैं जैसे लेगामेंट्स दे आर वेरी इलास्टिक दे आर हाईली इलास्टिक स्ट्रक्चर्स बट टेंडन्स आर इन इलास्टिक स्ट्रक्चर द ज्वाइंट मसल्स टू बोन्स जो कि मसल्स को बोन से जोड़ते हैं और लेगामेंट्स किससे जोड़ते हैं एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ते हैं दस अ इज अ वाइट फाइब्रस टिश्यू इट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ बट इट्स फ्लैक्सिबिलिटी इज लिमिटेड तो टेंडन्स वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिशू है जो कि बहुत मजबूत होता है लेकिन इट्स फ्लैक्सिबिलिटी इज लिमिटेड नाउ नेक्स्ट कनेक्टिव टिशू इज कार्टिलेज कार्टिलेज इट इज स्पेशाइज कनेक्टिव टिशू विच हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स देखिए कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिशू है जिसमें सेल्स बहुत दूर दूर होती हैं एंड इट्स मैट्रिक्स इज कंपोज ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर इसका जो मैट्रिक्स है ग्राउंड सब्सटेंस है ये प्रोटीन्स और शुगर का बना हुआ होता है और कार्टिलेज की सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स सो सेल्स ऑफ कार्टिलेज दे आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स एंड मैट्रिक्स इज प्रोड्यूस्ड एंड मेंटेन्ड बाय कॉन्ड्रोसाइट्स मीन्स कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है ये कॉन्ड्रोसाइट्स ही प्रोड्यूस करती हैं और उसकी क्वालिटी मेंटेन करती हैं एंड कार्टिलेज इट इज़ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ बोन्स सो इट स्मूद बोन सर्फिस एट जॉइंट्स ये जॉइंट्स में बोन की सरफेस को स्मूथ करता है एंड यू नो इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन आर नोज आउटर ईयर जिसको हम पेना बोलते हैं ट्रैकिया विच इज़ विंड पाइप एंड लेरिंग्स देखिए जो विंड पाइप है उसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं और ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हमारे विंड पाइप को कोलेप्स होने से प्रिवेंट करते हैं जब उसमें एयर नहीं प्रेजेंट होती है बिकॉज विंड पाइप इट इज़ वेरी सॉफ्ट स्ट्रक्चर सो इट प्रिवेंट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रिवेंट विंड पाइप टू बी कोलेप्सड एंड लिरिंग्स साउंड बॉक्स तो कार्टिलेज साउंड बॉक्स में भी प्रेजेंट होता है सो इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड फ्लैक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स तो ये फ्लैक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है बॉडी पार्ट्स को और साथ ही साथ सपोर्ट भी देता है एंड वी कैन फोल्ड द काटेज ऑफ आर आउटर ईयर देखिए हम अपने आउटर ईयर को फोल्ड कर सकते पिना को हम फोल्ड कर सकते हैं लेकिन क्या हम अपनी बोन्स को फोल्ड कर सकते हैं नो बिकॉज बोन्स आर वेरी हार्ड स्ट्रक्चर वेल कार्टेलेज इट इज सॉफ्ट एंड इलास्टिक स्ट्रक्चर बट इट गिव्स सपोर्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी पार्ट्स नाउ नेक्स्ट कनेक्टिव टिशू इज एरियोलर टिशू एरियोलर टिश्यू विच इज ऑल्सो कॉल्ड लूज कनेक्टिव टिशू एंड इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो एरियोलर टिशू जिसको हम लूज कनेक्टिव टिशू भी बोलते हैं ये मसल्स और स्किन के बीच में होता है और ये टिशू ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अराउंड उनके चारों ओर ये होता है और ये बोन मैरो में भी प्रेजेंट होता है एंड दिस टिशू हैज सम सेल्स लाइक फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोब्लास्ट दे फॉर्म फाइबर एंड मैस्ट सेल्स मैस्ट सेल्स दिसरीट मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू इज सिक्रीटेड बाय मैस्ट सेल्स एंड मैक्रोफेजेस क्ट्स एज अ फेगोसाइट्स देखिए फेगोसाइट्स आर द सेल्स दे प्रोटेक्ट द बॉडी बाय इंजेस्टिंग हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स जो फेगोसाइट्स होती हैं जैसे माइक्रोफेज ये क्या करती हैं जो भी हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स है जैसे बैक्टीरिया है वायरस है उनको एनगल्फ कर लेती हैं जैसे अमीबा अपना फूड कैप्चर करता है एनगल्फ करता है इन द सेम वे फेगोसाइट्स ऑल्सो दे एनगल्फ फॉरन पार्टिकल्स दे इंजेस्ट फॉरन पार्टिकल्स जो भी फॉरिन पार्टिकल्स बैक्टीरिया वायरस हैं इनको ये एनगल्फ कर लेती हैं सो इट हैज समल्स फाइब्रोब्लास्ट विच फॉर्म्स फाइबर्स मैस्ड सेल्स दीट मैट्रिक्स एंड मैक्रोफेज दे एक्ट एज फेगोसाइड्स एरियोलर टिश्यू एक्ट्स एज अ सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू बिटवीन ऑर्गन्स लाइंग इन द बॉडी कैविटी सी दिस टिश्यू एक्ट्स एज अ सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू ये टिश्यू सपोर्टिंग और पैकिंग टिश्यू की तरह काम करता है बिटवीन ऑर्गन्स ऑर्गन्स इंटरनल ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन बॉडी कैविटी तो ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं दो ऑर्गन्स के बीच में ये स्पेस फिल करता है पैकिंग टिश्यू की तरह एक्ट करता है जैसे प्लांट्स में काइमा होता है पैरनकाइमा इट एक्ट्स एज अ पैकिंग टिश्यू इट फिल्स द स्पेस सो इन एनिमल्स एरियोलर टिश्यू एक्ट्स एज अ पैकिंग टिश्यू एंड इट गिव सपोर्ट ऑल्सो एंड मैट्रिक्स ऑफ दिस टिशू इज इंपॉर्टेंट इन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रियस देखिए मैस्ड सेल्स दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इट हेल्प्स इन द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रियस तो ये मैट्रिक्स हेल्प करता है न्यूट्रियंस और ऑक्सीजन के डिफ्यूजन में फ्रॉम स्मॉल ब्लड वेसल्स स्मॉल ब्लड वेसल्स जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज तो इनका मैट्रिक्स एरियोलर टिशू का मैट्रिक्स ये हेल्प करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के डिफ्यूजन में ब्लड कैपिलरी से दिस टिश्यू हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज आफ्टर एन इंजरी अगर टिश्यूज में कोई इंजरी हो जाती है तो ये टिश्यू उस इंजरी को हील अप करने में उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है एंड एरियोलर टिश्यू इट फिक्सेस स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स ये स्किन को मसल से जोड़ता है सो दिस टिश्यू इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच एक्ट्स एज अ सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू नाउ द लास्ट कनेक्टिव टिश्यू इज एडिपोज टिश्यू एडिपोज टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड फैट स्टोरिंग टिश्यू इट इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स एडिपोज टिश्यू को फैट स्टोरिंग टिश्यू भी बोलते हैं और ये इंटरनल ऑर्गन्स दो इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होता है एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड बिलो द स्किन और एडिपोस टिश्यू की सेल्स को हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स सो इट्स मैट्रिक्स इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड और ओवल शेप्ड सेल्स विच आर कॉल्ड एडिपोसाइट्स और फैट सेल्स इसके मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा नंबर में ओवल शेप की सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं फैट सेल्स या फिर एडिपोसाइट्स एंड सेल्स कंटेन अ लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट दैट ऑलमोस्ट फिल्स इट और हर एक एडिपोसाइट में एक बहुत बड़ी ड्रॉपलेट होती है फैट की जो कि ऑलमोस्ट उसको फिल कर देती है सो दिस टिश्यू सर्व्स एज अ फैट रिजर्वोयर इट प्रोवाइड शेप टू द लिम्स एंड द बॉडी दिस टिश्यू एक्ट एज अ फैट रिजर्वोयर बिकॉज इट इज फैट स्टोरिंग टिश्यू तो ये एक फैट रिजोर्वायर की तरह काम करता है इट प्रोवाइड शेप टू द लिम्स ये हमारे लिम्स को लिम्स हमारे हाथ और पैर उनको शेप प्रोवाइड करता है बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है एंड दिस टिशू एक्ट्स एज एन इंसुलेटर ये इंसुलेटर की तरह काम करता है बींग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इट रिड्यूसेस हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी एंड इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर देखिए वी आर वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स द एनिमल्स विच हैव अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर जिनका एक कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है तो ये टिश्यू एक इंसुलेटर की तरह काम करता है ये जो है इट रिड्यूस हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी एंड इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड दिस टिश्यू कीप्स इंटरनल ऑर्गन्स इन पोजिशन ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को उनकी पोजिशन में रखता है कई बार आपने देखा ऐसा हुआ है कि क्या हम गिर गए या झटका लगा तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स डिसलोकेट हो गए नहीं होता है